देखो नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है क्लोज सेट फॉर सबस्पेस। देखो इसमें कुछ और अलग नहीं है इस सबस्पेस के लिए, बस सबस्पेस के लिए चाहे वो क्लोज सेट हो, चाहे वो ओपन सेट हो, चाहे वो क्लोजर हो, चाहे वो इंटीरियर पॉइंट हो, तो वो सबस्पेस के अंदर वो तब बनेगा जब उसके इंटरसेक्शन हम किसके साथ लेंगे, टाओ के ओपन क्लोज क्लोजर पॉइंट या फिर इंटीरियर पॉइंट के साथ मिलेंगे। यानी कि जब हमारे पास सबस्पेस के अंदर किसी भी चीज़ को दिखा रहे हो ना, तो हमारे पास एक्स स्पेस के अंदर वो चीज़ रहनी चाहिए, उसके इंटरसेक्शन वाई के साथ लेंगे तो वो हमारे पास वाई सब स्पेस के अंदर चली जाएगी, और कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। तो देखो ये कह रहा है कि क्लोज सेट फॉर सब स्पेस, तो ये कह रहा है एक्स टाओ कोई भी टॉपोलॉजिकल स्पेस है। फिर वही बात आ गई, वाई एक्स का कोई भी सबसेट है, तो वाई टाओ इज ए सब स्पेस ऑफ एक्स टाओ, और वाई टाओ क्या है, सब स्पेस है टाओ एक्स टाओ का। ये कह रहा है कि वाई का कोई भी क्लोज सेट है, वाई का कोई भी क्लोज सेट है जिसका नाम है के, वो के वाई के लिए क्लोज कब होगा, वो के, देखो ये वाई है, ये कह रहा है कि अगर वाई का कोई भी एक सेट है के, वाई का एक कोई भी सबसेट है के, वो के इस वाई के अंदर क्लोज कब होगा, वो के इस वाई के अंदर क्लोज कब होगा, जब हमें टाओ के अंदर एक क्लोज सेट मिल जाए और उसकी इंटरसेक्शन वाई के साथ हो, तो जो के है वो के तब जाके वाई के अंदर क्या होगा, क्लोज होगा। सुनो वापस से कि वाई का कोई एक सबसेट है के इस कैपिटल वाई के अंदर, वाई सबस्पेस के अंदर क्लोज कब होगा, जब टाओ के अंदर मुझे एक क्लोज सेट मिल जाए और उसकी इंटरसेक्शन वाई के साथ हो और के उसके इक्वल हो, तब जाके मेरा के क्या होगा, यानी कि वाई के वाई सबस्पेस के अंदर कोई भी सेट क्लोज कब होगा, जब उसकी इंटरसेक्शन टाओ के क्लोज सेट के वाई के साथ हो, तब जाके वो क्या बनेगा, टाओ वाई के अंदर क्लोज बनेगा। ठीक है, तो देखो थ्योरम हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, ये कह रहा है वाई टाओ कोई भी सबस्पेस है एक्स टाओ का, और के कोई भी हमारे पास क्या दे रखा है, वाई का सबसेट दे रखा है। तो कह रहा है के इस टाओ वाई क्लोज, के टाओ वाई के अंदर क्लोज कब होगा, जब के किसके इक्वल हो, टाओ के क्लोज सेट के इंटरसेक्शन वाई के इक्वल हो, तो ये होगा। अगर ऐसा है टाओ वाई के अंदर क्लोज है तो ऐसा है, और अगर ऐसा है तो के क्या बन जाएगा, वाई के अंदर टी वाई क्लोज हो जाएगा। तो देखो कन्वर्स, पहले हमारे पास इफ एंड ऑनली इफ की कंडीशन है, ये देखा वाई टाओ सबस्पेस है, हमें पता है टाओ वाई के अंदर वो सारे मेंबर जाते हैं जिनकी इंटरसेक्शन टाओ के मेंबर के साथ और वाई के साथ हो। ठीक है, के वाई का हमारे पास सबसेट दे ही रखा है, सपोज करके चल पड़े के, सबसे पहले हमने मान लिया कि के क्या है, टाओ वाई क्लोज है, तो मुझे दिखाना है कि के क्या होगा, इस टाइप का होगा। अब देखो के टाओ वाई क्लोज है, अगर के टाओ वाई के अंदर क्लोज है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, के का कॉम्प्लीमेंट, के किसका सबस्पेस है, वाई का, तो के का जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वाई माइनस के बनेगा ना, तो वाई माइनस के किसके अंदर ओपन होगा, इसकी टॉपोलॉजी है टाओ वाई, तो वाई माइनस के किसके अंदर ओपन हो गया, टाओ वाई के अंदर ओपन हो गया। लेकिन टाओ वाई के अंदर मेंबर कौन जाते हैं, टाओ वाई के अंदर अगर मैं कह रही हूँ वाई माइनस के टाओ वाई में जा रहा है, तो पक्का अगर ये वाई माइनस के टाओ वाई के अंदर ओपन है तो पक्का कोई ना कोई ओपन सेट रहा होगा टाओ के अंदर, सब उसके इंटरसेक्शन वाई के साथ होगी, यही डेफिनेशन है फॉर सम जी बिलोंग टू टाओ। अब हमें ये क्लेम करके दिखाना है, कि हमें ये प्रूव करके दिखाना है जो के टाओ वाई क्लोज है ना, कि यहाँ पे कोई क्लोज सेट मिल जाए, किसके अंदर क्लोज सेट मिल जाए, हमें टाओ के अंदर क्लोज सेट मिल जाए उसके इंटरसेक्शन वाई के साथ हो। अब देखो लेकिन हमें टाओ के अंदर अब क्या मिल रहा है, जी ओपन मिल रहा है, तो मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे क्या आ जाए, एक्स माइनस जी क्लोज सेट आ जाए, यानी कि मैं ऐसा प्रूव करना चाह रही हूँ। तो देखो वी क्लेम दैट कि के किसके इक्वल हो जाए, एक्स माइनस जी इंटरसेक्शन वाई के, तो लेट कर लिया मैंने एक एलिमेंट, के का एलिमेंट लेट कर लिया, अगर एक्स के में है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या, वाई माइनस के, अगर वाई माइनस के में नहीं है, वाई माइनस के तो जी इंटरसेक्शन वाई है, तो इसका मतलब एक्स डज नॉट बिलोंग टू जी इंटरसेक्शन वाई। अभी कह रहा है एक्स जी में नहीं होगा, एक्स जी में नहीं होगा, लेकिन यहाँ से तो ऐसे हो सकता था कि मैडम अगर इंटरसेक्शन में नहीं है तो पक्का ऐसा हो सकता है कि अब तक एक में हो दूसरे में नहीं, अगर दोनों में होता तो इनके इंटरसेक्शन में आता, लेकिन कह रहे हैं इंटरसेक्शन में नहीं है तो पक्का कम से कम या तो इसमें है या इसमें है, लेकिन कह रहा है एक्स जी में नहीं है, एक्स जी में नहीं है, लेकिन ये कह रहा है बिकॉज एक्स बिलोंग्स टू वाई, एक्स हमारे पास किस में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे वाई में बिलोंग कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई, क्योंकि यहाँ से देखो ये कह रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू के था, एक्स हम के से लेके चले थे और के हमारा वाई का सबसेट है, तो अगर एक्स के का है तो वाई का तो है, तो यहाँ से एक्स वाई का तो है,
लेकिन वो उनके इंटरसेक्शन में नहीं है तो पक्का एक्सिस का नहीं है, जी का नहीं है। अगर जी का नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट का है, विच इम्प्लाई एक्स बिलोंग टू एक्स माइनस जी। आल्सो एक्स वाई का भी देखो, यहाँ से एक्स वाई का भी है, एक्स के का है तो के वाई का है, एक्स वाई का भी है, एक्स उसके कॉम्प्लीमेंट का भी है तो उनके इंटरसेक्शन का भी होगा। के लिया कहाँ से था आपने, के से लिया था आर्बिट्ररी एलिमेंट और दिखा दिया किसमें, इसमें यानी के इज ए सबसेट ऑफ दिस। अब मैं इसको इसका सबसेट दिखा दूँ तो के इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या है आगे, ये कह रहा है y हमने अब अपोजिट ले लिया, अगर y इन दोनों के इंटरसेक्शन तो y x माइनस जी में भी है, y में भी है। अगर y x g के कॉम्प्लीमेंट में तो पक्का g में नहीं है और y में है। अगर y g में नहीं है और y में है तो पक्का उनके इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन के लिए दोनों में होना जरूरी था। अगर y g इंटरसेक्शन y में नहीं है तो y माइनस k में भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास g इंटरसेक्शन y तो y माइनस k के है। तो अगर कोई एलिमेंट g इंटरसेक्शन y में नहीं है तो y माइनस k में भी नहीं है। अगर मान लो y माइनस k में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, k होगा, क्योंकि अगर मान लो कैपिटल वाई माइनस के का कॉम्प्लीमेंट करते तो पूरे के पूरे क्या घटेगा, पूरे पूरे सेट में से घटेगा ना, तो वाई से वाई तो किस में हो जाएगा, के में। तो अब देखो आप लेके चले थे इस एलिमेंट को, यहाँ से दिखा दिया आपने के, तो दिस इज ए सबसेट ऑफ के, और पहले पार्ट में आपने के को इसका सबसेट दिखा था, दोनों से क्या इक्वालिटी होल्ड कर गई। यहाँ से हमने क्या दिखा दिया, ये सेट टाओ के अंदर क्लोज दिखा दिया ना, तो हमें यही प्रूव करके दिखाना था अगर के टाओ वाई के अंदर क्लोज है तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहना चाहिए, यहाँ पे हमें टाओ के अंदर कोई क्लोज सेट मिलना चाहिए। तो हमारे पास मिल गया, सिंस जी बिलोंग टू टाओ है देयर फोर एक्स माइनस जी टाओ क्लोज, हमने इसको नाम दिया ए का। तो हमें यही प्रूव करके दिखाना था यहाँ पे कोई ए आ जाए जहाँ पे ए क्या होना चाहिए, टाओ के अंदर क्लोज होना चाहिए, तो ऐसा हमने प्रूव कर दिया। कन्वर्स में देखो, सपोज करके चल पड़ेगी के क्या है, ए इंटरसेक्शन वाई है जहाँ पे ए क्या है, टाओ क्लोज है, यानी कि जो ए सेट है वो क्लोज है, और किसके अंदर क्लोज है, टाओ के अंदर क्लोज है, और हमें प्रूव करके दिखाना है जो के है ना वो टाओ वाई क्लोज हो जाए, के क्या हो जाए, टाओ वाई क्लोज हो जाए, या फिर सिंपली कह लो टाओ वाई क्लोज दिखाना है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाए, टाओ वाई के अंदर ओपन हो जाए, ठीक है। वी क्लेम दैट, हम ये क्लेम करके चल पड़े कि वाई माइनस के क्या है, टाओ वाई के अंदर क्लोज जब हो जाएगा, जब मैं यहाँ पे कोई भी एक ओपन सेट दिखा दूँ टाओ के अंदर, ठीक है। तो लेट एक्स बिलोंग टू वाई माइनस के, अगर वाई माइनस के में ले लिया कोई एलिमेंट, पक्का के में नहीं है, अगर एक्स के में नहीं है तो ये कह रहा है कि हमारे पास अगर कोई एलिमेंट के में नहीं है तो पक्का ए इंटरसेक्शन वाई में नहीं होगा, बिकॉज ये तो दोनों इक्वल है। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन वाई में नहीं है तो ये कह रहा है, अगर एक्स ए इंटरसेक्शन वाई में नहीं है तो एक्स ए में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि आपने एक्स को किस में से लिया है, एक्स डज नॉट बिलोंग टू, आप कह रहे हो कि एक्स अगर इंटरसेक्शन में नहीं है तो या तो वो ए में नहीं होगा या फिर वो वाई में नहीं होगा, लेकिन आप कह रहे हो कि एक्स है जो हमारे पास वो वाई माइनस के यानी वाई में तो है तो पक्का ए में नहीं है, अगर ए में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। अब देखो एक्स वाई में भी है, उसके कॉम्प्लीमेंट उनके इंटरसेक्शन में भी होगा, लेकिन एक्स आपने आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था वाई माइनस के का, तो वाई माइनस के इज ए सबसेट ऑफ दिस, अगेन अपोजिट मान के चल पड़े, इसमें से लेके चल पड़े, तो वाई एक्स माइनस ए में भी है, वाई वाई में भी है, वाई अगर एक्स माइनस ए में है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, वाई वाई में है। अब देखो वाई इसमें नहीं है, इसमें है तो उनके इंटरसेक्शन में नहीं है, सो दिस इम्प्लाइज, इसका नाम क्या था, ए इंटरसेक्शन वाई का के, तो वाई के में नहीं है, अगर वाई के में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में है, तो वाई वाई में भी उसके कॉम्प्लीमेंट में, उनके इंटरसेक्शन में भी है, तो यहाँ से हमने दोनों को इक्वल दिखा दिया। बट ए तो क्या था, टाओ क्लोज था, अगर ए टाओ क्लोज था तो उसका कॉम्प्लीमेंट टाओ ओपन हो गया, तो हमने एक ओपन सेट ढूंढ के दिखा दिया टाओ के अंदर जो इंटरसेक्शन है वाई के, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये वाला हमारे पास टाओ वाई के अंदर ओपन हो गया, और वाई माइनस के अगर टाओ वाई के अंदर ओपन हो गया तो इसका कॉम्प्लीमेंट वाई माइनस के का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो टाओ वाई के अंदर क्लोज हो जाएगा और इसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा के, तो हमने दिखा दिया के क्या हो गया, टाओ वाई क्लोज। तो हमने यहाँ से दिखा दिया कि अगर के टाओ वाई के अंदर क्लोज है तो पक्का एक क्लोज सेट मिलेगा टाओ के अंदर, उसकी इंटरसेक्शन वाई होगी, और अगर ऐसा है तो हमारे पास अपोजिट हो जाएगा के क्या हो जाएगा, टाओ वाई क्लोज। तो ये थी आपके पास सेकेंड थ्योरम रिलेटेड टोपोलॉजी।